नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। चीन को अपना आयरन ब्रदर बताने वाला पाकिस्तान अब बीजिंग के दुश्मन ताइवान से चुपके चुपके दोस्ती बढ़ाने में जुट गया है। पाकिस्तान ताइवान के साथ व्यापार बढ़ाने की फिराक में लगा है। 2 सितंबर को मिस्र की राजधानी काहिरा में व्यापार अधिकारी सिद्रा हक ने स्थानीय ताइवानी ट्रेड सेंटर के दौरे की तस्वीर पोस्ट की थी। इसमें ट्रेड सेंटर के डायरेक्टर माइकल येन भी नजर आ रहे हैं। सिद्रा ने कहा कि उनके और माइकल के बीच पाकिस्तान और ताइवान व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने और स्थानीय बिजनेस मार्केट के बारे में सूचनाएं साझा करने पर बातचीत हुई। सिद्रा हक ने उत्साह में आकर ये पोस्ट तो कर दिया, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया। माना जा रहा है कि चीन के डर से पाकिस्तानी अधिकारी ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। सिद्रा ने तस्वीर तो डिलीट कर दी, लेकिन इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान चीन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता के बाद भी ताइवान के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने में जुटा हुआ है। बता दें कि 21 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान चावल, कॉटन, कपड़े आदि का निर्यात करता है। पाकिस्तान के मुख्य आयात में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनें, प्लास्टिक, लोहा और स्टील शामिल है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान ने ताइवान से 62.60 करोड़ डॉलर का आयात किया, वही 10 करोड़ डॉलर का निर्यात किया। बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल के आखिर में पाकिस्तान आने वाले थे। शी के दौरे को देखते हुए इमरान खान सरकार उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां कर रहे थे। पाकिस्तान में चीन के राजदूत याओ जिंग ने कहा कि कोरोना वायरस संकट का देखते हुए ये दौरा रद्द किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई तिथियों का ऐलान किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।